जय हिंद दोस्तों, उड़ीसा पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन जो ग्रुप है उसमें एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज निकली हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन इन उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स ऑफ उड़ीसा पुलिस ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उड़ीसा पुलिस में जो है वो वैकेंसीज निकली हुई हैं। इन वैकेंसीज में दोस्तों ओनली एक्स सर्विसमैन चाहे वो किसी भी रैंक के हों, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट भर्ती है आपके लिए दोस्तों उड़ीसा में 23 जुलाई 2024 के लिए एसओजी हेडक्वार्टर चंडका भुवनेश्वर में पहुंचना है। ओके, 7:30 तक। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट और भी जो इसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है दोस्तों रैंक। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप किसी भी रैंक के हैं इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं, मतलब भर्ती के लिए जा सकते हैं। एज जो है वो आपकी दोस्तों 54 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर JCOs, और लांस नायक, नायक और हवलदार के लिए 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और सिपाही के लिए 43 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मेडिकल कैटेगरी जो है वो दोस्तों आपकी सेफ बन होनी चाहिए और कैरेक्टर आपका एग्जेम्पलरी होना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों पे एंड अलाउंसेस की। JCOs के जो पे एंड अलाउंसेस है वो है दोस्तों 29,000 रुपये, लांस नायक, नायक हवलदार के 24,650 और सिपाही के लिए 21,750 रुपये का कंसोलिडेटेड पेमेंट जो है वो मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले आपको PPO लेके जाना है, डिस्चार्ज बुक लेके जाना है, ESM आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाना है, 3 कलर फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज के लेके जाना है, आपकी पेंशन जिस अकाउंट में आती है उस अकाउंट की ओरिजिनल पासबुक लेके जाना है और कोर्स सर्टिफिकेट सपोर्टिंग टू QR। ओके, अगर आपके पास में कोई भी कोर्स का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेकर जा सकते हैं। भर्ती दोस्तों आपकी इस प्रकार होगी। अगर आप वहाँ पर भर्ती के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका 5 किलोमीटर का रन होगा जिसके लिए आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 23 जुलाई 2019 के बाद में जो भी रिटायर हुए हैं एक्स सर्विसमैन वो उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं 23 जुलाई 2024 के लिए 7:30 पे आपको यहाँ पर पहुँचना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर है और आपको कहाँ पहुँचना है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि SOG हेडक्वार्टर चंडका भुवनेश्वर में आपके लिए पहुँचना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।